rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी है और इसी बीच केरल से जो खबरें आ रही हैं वे डराने वाली हैं। आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 24 घंटे में 31,445 मामले सामने आए, जो एक राज्य के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी देश भर में 35 से 37 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओणम के दौरान जो छूट दी गई उसकी वजह से कोरोना का विस्फोट हुआ है और संक्रमितों की संख्या 31,000 के पार चली गई है। वहीं पूरे देश में 45,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। मौतें भी 600 से ज्यादा दर्ज की गई हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 5,031 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 216 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या कल के मुकाबले करीब 100 ज्यादा है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि हमें ओणम के बाद बढ़ोतरी की उम्मीद थी। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चूंकि केरल में सीरो का प्रसार बहुत कम है, इसीलिए हमें संक्रमितों का पता लगाना होगा और उन्हें जल्द से जल्द क्वारंटाइन करना होगा। हम बढ़ोतरी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। केरल में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19% हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नमूने जांचे जा रहे हैं उनमें हर पांचवा व्यक्ति पॉजिटिव है। केरल का सबसे बड़ा त्यौहार ओणम पिछले हफ्ते मनाया गया। पिछले कुछ महीनों में पॉजिटिविटी मामलों में राज्य में बढ़ोतरी हुई, इसके बावजूद राज्य सरकार ने इसके लिए प्रतिबंधों में ढील दी थी। त्योहार से पहले बाजार में भारी भीड़ देखी गई। पिछले साल भी राज्य में ओणम के बाद मामलों में बढ़ोतरी देखी गई थी। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 5 दिनों के बाद महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों ने बुधवार को फिर से 5,000 का आंकड़ा पार कर लिया। एक दिन में राज्य में 5,031 ताजा मामले दर्ज किए गए और 216 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि लोगों की लापरवाही की वजह से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि डेल्टा प्लस वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण है और अगर ये जारी रहा तो हमें तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने मौजूदा हालात को देखते हुए किसी भी लापरवाही से बचने की सलाह दी है। तीसरी लहर को देखते हुए फिलहाल कोरोना गाइडलाइंस का पालन बेहद आवश्यक है। आप भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन जरूर करें। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।